हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए फाइनल ईयर और आपका सेमेस्टर है जो फिफ्थ चल रहा है। तो हमने ऑल माय सन्स का आज मैंने आपको थीम्स करवा रही थी, तो आज हम लास्ट थीम है जो ऑल माय सन्स का वो करेंगे, लायबिलिटी कल्पेबिलिटी एंड गिलेट। अब इसमें क्या था लास्ट में, फाइनली एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्ले अटेम्प्ट्स टू प्रेस हु इज़ गिल्टी फॉर लैरीज डेथ। कहते लैरी की डेथ की वजह से किसको गिल्टी फील हो रही थी, स्टीव को जो पनिशमेंट मिली उसके लिए किसको गिल्टी फील हो रही थी, एंड द डेथ्स ऑफ द 21 ईयर मैन हुज प्लान्स फेल आउट ऑफ द स्काई। और जो 21 पायलट थे उस जहाज में मारे गए थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। द ट्रेसिंग ऑफ दीज लाइन्स ऑफ गिल्ट रन्स थ्रू आउट द ड्रामा। इन सभी के साथ जो हुआ उसकी गिल्टी है जो उसको ट्रेस किया जा रहा था इस ड्रामा में। एट फर्स्ट इट अपीयर्स टू एवरी वन एक्सपेक्ट एना दैट लैरीज डेथ वॉज एन एक्सीडेंट और दैट ही वॉज शूट डाउन इन वॉटर। सबसे पहले इट अपीयर्स टू एवरी वन, ये सबके सामने आया एना के भी, कि लैरी की डेथ है जो एक एक्सीडेंट है, या फिर ही वॉज शूट डाउन इन बॉटल, या फिर उसने अपने आप को शूट कर लिया है। बट एना फैमिली रिवील्स दैट लैरी चूज टू कमिट सुसाइड। पर एना की फैमिली है जो वो ये शो करती है कि लैरी ने सुसाइड कमिट किया था बिकॉज ही हैड लर्न ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड स्टीव्स प्रोफेशनल मैलफेंसी। क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके फादर और उसके जो फ्रेंड है स्टीव वो क्या कर रहे हैं। लैरी डज नॉट वेट टू हियर वर द ट्रायल्स वेरिडिक्ट विल बी। लैरी ने कोर्ट के ऑर्डर्स को की वेट नहीं की कि कौन मेरा फादर गिल्ट है या मेरे फादर की फ्रेंड है जो स्टीव है वो गिल्ट है, उससे पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लिया। ही कन्विक्ट हिज फादर एंड स्टीव इन हिज ओन माइंड। वो दोनों को ही जो है कन्विक्ट समझता था, अपराधी समझता था, एंड चूज टू एंड हिज लाइफ रैदर दैन कन्फर्ट द रियलिटी ऑफ हिज गिल्ट बैक होम आफ्टर द वॉर। उसने एंड में अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया ये जाने बिना कि वॉर के ख़त्म होने के बाद वो घर वापस आके बात करेगा। क्रिस ऑन द अदर हैंड हैज़ टेकन अ जॉब फ्रॉम हिज फादर आफ्टर द वॉर। क्रिस है जो वो एक जॉब लेता है अपने फादर से आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद, एंड ही स्टैंड्स टू इनहेरिट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हेन हिज फादर रिटायर्स। और अपने फादर का जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का उसको संभालने लगता है। इन दिस सेंस क्रिस हु परहैप्स ऑलवेज सेंस्ड रेगुलरली दैट हिज फादर हैड ओकेड द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स। इस सीन में दिखाया गया है कि उसके फादर है पार्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं। नेवरथलेस वीप द हिज फीलिंग्स ऑफ गिलेट अंडर द रग एज ही कंटिन्यू टू आयरन अ गुड लिविंग विद हिज फादर। बिना किसी गिलेट की परवाह किए हुए भी अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ओनली एट द प्लेस एंड डज क्रिस कन्फर्ट फुली। एंड में क्रिस को पता चलता है द सोर्स ऑफ हिज फादर इनकम एंड द फैक्ट दैट इट इज़ टेंटेड बाय द डेथ्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर। भी मेरी फैमिली की जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, और जो फैमिली के सन की डेथ हुई है जो इस प्ले में अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, ये उसको एंड में पता चलता है। जॉस डिसीजन टू अलाउ द पार्ट्स टू बी पुट इन प्लान्स वॉज अ स्मॉल वन। ही न्यूज देयर वॉज अ चांस दे कुड कॉज द प्लान्स टू क्रैश। जॉ का जो डिसीज़न था कि जो ख़राब सिलेंडर हैं उनको ऐसे ही दे दिया जाए, उसको पता था कि इससे प्लेन है जो वो क्रैश हो सकते हैं, दो ही वॉज नॉट श्योर, चाहे वो श्योर नहीं था, एंड अलाइड हिज फीलिंग ऑफ गिलेट। और अपनी जो फीलिंग है गिलेट की उसको मानता है बाय सेइंग, ये कहता हुआ कि दैट इज़ ओन सन डिड नॉट फ्लाई P-40s। वो कहता है कि मेरा लड़का तो उन प्लेन में मर नहीं सकता क्योंकि वो P-40 वाले प्लेन है जो वो नहीं चलाता, और उन्होंने वो डिफेक्टिव सिलेंडर किसको दिए हैं, P-40s को दिए हैं। दस ही डिड नॉट किल हिज ओन सन, इसलिए उसने अपने सन को नहीं मारा। कैट बिलीव्स, कैट को यकीन था एंड सेज रिपीटली दैट अ फादर किलिंग हिज सन इज इनहेरिट एंड स्पेशली इमोरल। वो रिपीट करती है कि फादर है वो एक सन को नहीं मार सकता, ये बहुत ही इमोरल है। इन किलिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप को मार रहा था, जो सीम्स टू एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेवरल क्राइम्स, उसने बहुत सारे क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली।
फॉर लेइंग झूठ बोला उसने एंड फोर्सिंग स्टीव टू गो टू जेल इन हिज स्टीव और अपनी जगह पे स्टीव को जेल भेजने के लिए मजबूर किया फॉर कॉजिंग द डेथ मौत के कारण दो एलिगेशंस ऑफ 21 पायलट्स एंड फॉर इनडायरेक्टली कॉजेज लैरीज डेथ दो ही बिलीव लैरी डिड नॉट फ्लाई P-40 एंड में जॉ को रियलाइज़ होता है कि उसने स्टीव को जेल भेजा अपनी जगह पे 21 पायलट्स को मारा लैरी है जो चाहे वो P-40 नहीं चला रहा था पर फिर भी उसने प्लेन को खुद क्रैश किया वो भी मेरी वजह से किया बिकॉज जॉस लैरी और मनी इज देयर फॉर टेंटेड बाय द मल्टी डिमेंशनल नेचर ऑफ हिज गिल्ट ये सब कुछ क्यों हुआ क्योंकि जॉ है जो उसकी माइंड में क्या था सिर्फ मनी थी वो गिल्ट कर रहा था मनी की वजह से द ओनली एडवाइस कैट कैन ऑफर टू द एट द एंड ऑफ द प्ले इज सिंपल कैट ने सिंपल एडवाइस की जॉ को ऑफर किया एंड में क्रिस एंड एना मस्ट मूव अवे भी क्रिस और एना दोनों यहाँ से चले जाएं मस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइफ एल्सवेयर कहीं भी जाके अपनी नई लाइफ की शुरुआत करें कैट हैज़ कम टू दिस मोमेंट ऑफ मॉरल क्लैरिटी इन रियलाइजिंग दैट जॉस डिसीजन टू किल हिमसेल्फ वो इस बात को मॉरल मानती थी उसको रियलाइज हुआ कि जॉ का डिसीजन अपने आप को मारने का बिल्कुल सही था दो ग्रियूसम चाहे ये देखने लायक नहीं था हैज़ अलाउड हिम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फाइनली फॉर हिज एक्शंस अपने एक्शंस के लिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ ये मैंने किया है Thus the play leaves Chris and Anna as the only hope for a new generation that can move beyond the guilt of their ancestors and can with a fresh start establish a new family far away from the small town. तो एंड में जब प्ले में क्रिस और एना अकेली होप बचते हैं नई जनरेशन के लिए ताकि वो इस अपने अनेस्टर की गिल्टी है जो उसके फादर ने गिल्टी की है दोनों के ने तो उन अनेस्टर की गिल्टी को वो पीछे छोड़ जाएं एक नई शुरुआत करें एक नई फैमिली बनाएं एक नई यहाँ से बहुत दूर जाके किसी फ्रॉम द स्मॉल टाउन इस छोटे से टाउन से दूर जाके कहीं और अपनी लाइफ की शुरुआत करें ताकि आने वाली जनरेशन है जो उनको एहसास ना हो कि उनके अनेस्टर हैं जो पूर्वज थे बड़े थे उन्होंने कोई गलती की थी ठीक है बेटा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको आप अच्छे से समझ लो अगर कुछ नहीं पता चलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो इसी के साथ आपके जो ऑल माई सन्स के जितने भी थीम थे वो इसके साथ कंप्लीट होते हैं इससे बाहर आपको कोई भी थीम नहीं आ सकता बेटा तो इन जो थीम्स हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लो याद कर लो ठीक है अपनी नोट कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टर स्केच शुरू करेंगे ठीक है बेटा तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ लो ओके बेटा ओके हैव अ नाइस डे